पिछले जो छः अध्याय हैं इनमें हमने बहुत सारी बातें देखी थी। विशेषकर ये हमने देखा था कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसको प्रभु ने एक नया जीवन दिया है। उसकी पृष्ठभूमि इसी पुस्तक में हमको मिलती है और उसकी पृष्ठभूमि है जिसे अपन बैकग्राउंड कहते हैं वो यह है कि प्रभु ने मनुष्य को सृष्टि करके इस लगभग असीमित विश्व में रखा है और इस विश्व में आप जहाँ भी देख लें वहाँ पर प्रभु की शक्ति प्रभु की सामर्थ को देख सकते हैं। ये हम समझ सकते हैं कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु का कार्य है कि इतना बड़ा विश्व जो मनुष्य की बुद्धि से परे है उसकी सृष्टि उन्होंने की है। जब मनुष्य एक बार इन बातों को समझ लेता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि प्रभु के सामने साष्टांग गिर कर प्रभु को प्रणाम करें प्रभु की आराधना करें। लेकिन मनुष्य की कुछ आदत यह है कि सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करने के बदले प्रभु के द्वारा बनाए गए चीज़ों की आराधना करता है। और ये हमने पहले अध्याय में देखा कि सर्वशक्तिमान को सृष्टिकर्ता को जानने के बावजूद मनुष्य सृष्टिकर्ता की आराधना करने के बदले सृष्टि की आराधना करता है। इसको प्रभु बहुत ही गलत मानते हैं और इसका रिजल्ट यह है कि मनुष्य को उसके कुकर्म पर प्रभु छोड़ देते हैं। ये बात मैंने आपको ये बात भी याद दिलाई थी कि इस सत्संग में या इस सभा में हम इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि मनुष्य को सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए ना कि सृष्टिकर्ता ने जो बनाया है उसकी आराधना। इस कारण इस सत्संग में जब आप आते हैं यहाँ प्रभु यीशु का कोई चित्र सामने आप नहीं पाते हैं। क्यों? इसलिए कि चित्र रख दो तो वो जो सर्वव्यापी ईश्वर है उस ईश्वर की आराधना के बदले हमारा सारा ध्यान उस चित्र की तरफ जाता है। यहाँ कोई सूली भी नहीं है इस सत्संग में, इसलिए कि यदि हम यह एक सूली टांग दें तो सूली पर जिस प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपना जीवन अर्पित किया था उस प्रभु की तरफ ध्यान जाने के बदले सारा ध्यान इस सूली की तरफ जाता है। हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण सृष्टिकर्ता को जो आदर मिलना चाहिए वो सृष्टिकर्ता को ना देते हुए हम सृष्टि को सृष्टिकर्ता ने जो बनाया है उस सृष्टि को हम ध्यान देने लगे या सृष्टि की आराधना करने लगे। आगे के अध्यायों में हमने ये भी देखा था कि जब मनुष्य को इस बात का बोध हो जाता है कि मैं पापी हूँ तो कई बार उसकी इच्छा होती है कि दूसरे की बुराई करो दूसरे के पाप सामने लाओ और उसके द्वारा अपने आप बचने की कोशिश करो। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है तो उससे वो आप स्वयं अच्छा सिद्ध नहीं हो जाता है। हमने ये भी देखा था इस पुस्तक में कि इस संसार में सब पापी हैं, पाप की सजा है मृत्यु। लेकिन ये पुस्तक हमको याद दिलाती है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमको नया जीवन प्रभु एक वरदान एक तोहफे के रूप में देते हैं। आज इस मंडली में जितने लोग बैठे हैं इसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन पाया है। वे प्रभु के पास गए, प्रभु के सामने मान लिया कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि आपने मेरे लिए सूली पर अपना बलिदान दिया और इस कारण मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ। इस तरह से प्रभु को मुक्तिदाता मानकर इन लोगों ने इस नए जीवन को पाया है। जिन्होंने नया जीवन पाया है उनके बारे में मैंने याद दिलाया था कि आत्मिक रूप से प्रभु यीशु के साथ एक शरीर के रूप में जोड़ दिए गए हैं और इसलिए जब प्रभु मनुष्य को देखते हैं तो
मनुष्य को एक पापी के रूप में या एक क्षमा किए हुए पापी के रूप में नहीं, प्रभु यीशु की धार्मिकता से पूरी तरह से आवरण या कवर किए हुए एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। प्रभु के वचन से हमने ये भी देखा था कि इस तरह से प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन मिला है, प्रभु की जो धार्मिकता हमको मिली है, इन सब की गवाही दूसरों के सामने देना जरूरी है। जब कोई आदमी यह दावा करता है कि मैं MSc पास हूँ, तो उसको मार्कशीट अपने पास रख लेनी चाहिए, जिससे कि कल को यदि वो किसी नौकरी के लिए जाए और इंटरव्यू में वो पूछे कि तुमने क्या पढ़ाई की है, जी सब मैं MSc हूँ और मैंने मार्कशीट की कॉपी उधर एप्लीकेशन के साथ लगा दी है, तो जब इंटरव्यू लेने वाला उसको अलट पलट कर देखता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, कॉपी तो तुमने यहाँ रखी है, लेकिन असल MSc की मार्कशीट मुझे दिखा सकते हो क्या? तब मेरी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो असली मार्कशीट उसके सामने हाजिर करे। उसी तरह से जब हम संसार के सामने ये दावा करते हैं कि मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, मैंने प्रभु के द्वारा नए जीवन पाया है, तो संसार ये देखना चाहता है कि अच्छा इस बात का क्या प्रमाण तुम हमारे सामने रख रहे हो। इसके लिए प्रभु यीशु ने स्वयं ये आज्ञा दी थी कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो बपतिस्मे से होकर गुजरे। बपतिस्मा एक प्रक्रिया है जहाँ पर प्रभु का दास जिसे बपतिस्मा लेना है उसको लेकर पानी में उतरता है, उससे पूछता है कि हे मेरे पुत्र, तुमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है क्या? जब बोलता है कि जी हाँ मैंने ग्रहण किया है, तो दो तीन प्रश्न पूछता है और सबसे आखिर में पूछता है कि यह बपतिस्मा तुम किसी की जोर जबरदस्ती के कारण ले रहे हो या अपने स्वयं की इच्छा से? और जब आप कहते हैं कि मैं अपने स्वयं की इच्छा से यह बपतिस्मा लेता हूँ, तो संसार के सामने एक प्रमाण के रूप में वो प्रभु का दास आपको, मैं मेरे पुत्र या पुत्री, मैं तुमको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ कहकर उसको पानी में डुबा देता है। वो बहुत सारी बातों को बताता है जो आज हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा विषय कुछ और है। ये सारी बातें मैंने रिव्यू के रूप में आपको बताई। आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। तब से मैं इस खुशी में जी रहा हूँ कि नवजीवन, नया जीवन मुझे मिल चुका है। उसके प्रमाण के रूप में जब मैं स्कूल में था, स्कूल फाइनल ईयर के आसपास था, तब मैंने, मेरे पिताजी वहाँ पर प्रचारक थे, उनसे कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मंडली में मुझसे पूछा गया क्यों लेना चाहते हो, जब सारा कारण मैंने बताया, तो मेरे फादर वहाँ पर प्रभु के सेवक थे, उन्होंने स्वयं मुझे इस प्रक्रिया में से होकर गुजारा। तब मैंने सारे संसार के सामने गवाही दी कि हाँ मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, और उसके प्रमाण के रूप में प्रभु ने जो आज्ञा अपने बच्चों को दी है मैं उस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने मदद की, तो समय आने पर हम देखेंगे। आज सातवें अध्याय से हम एक चीज देखना चाहते हैं, वो है मेरे और आपके मन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है। आप कहेंगे संघर्ष, कैसे संघर्ष की बात कर रहे हैं? एक्चुअली दरअसल जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसने प्रभु को, जिस समय उसने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, उस समय उसको प्रभु ने एक नया जीवन दान किया, उसको अपना बच्चा बनाया, उसको आत्मिक रूप से अपने शरीर के साथ एक कर दिया, लेकिन उसका शरीर तो नहीं बदला। जिस शरीर में उसने जन्म लिया था वो शरीर तो नहीं बदला, और जिस नश्वर शरीर में उसने जन्म लिया है, इस नश्वर शरीर में उसने पाप स्वभाव के साथ जन्म लिया है।
उस पाप स्वभाव को तो प्रभु ने नहीं बदला। इस कारण अब जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसके अंदर ये दोनों नेचर आपस में लगातार संघर्ष करते हैं। इसके बारे में पिछले हफ्ते मैंने जरा सा आपको हिंट दिया था कि जिसे मद्यपान की आदत है, जिसे धूम्रपान की आदत है, जिसे तंबाकू खाने की आदत है, वो इसको छोड़ देता है तो भी उसके बाद कई महीनों तक और कुछ लोगों के जीवन में कई सालों तक संघर्ष चलता है। जरा सा टेस्ट कर लो, जरा सा एक बार खींच लो, जरा सा एक बार गटक लो, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ये संघर्ष चलता ही रहता है। मैं बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में से कई लोग हैं जो इन आदतों को छोड़ना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने नौकरी की थी यूनिवर्सिटी में। लेकिन कितना भी संघर्ष करें, छोड़ दें, अगले हफ्ते जब कोई और आपको ऑफर करता है तो अनजाने उसकी तरफ खिंचाव हो जाता है। इसी ये एक अच्छा उदाहरण है इस बात का कि एक चीज को छोड़कर जब हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा नया जीवन और पुराना जीवन इनमें आपस में लगातार संघर्ष चलता रहता है। इसके बारे में रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के 14वें पद से आगे प्रभु का वचन बहुत सारी बातें बताता है जो इस तरह से है। 15वें पद में हम देखते हैं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वो करता हूं। ये एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा, ऐसे व्यक्ति का दर्द प्रभु का वचन वर्णन करता है जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद वो प्रभु की संतान हो गया, उसके अंदर एक नया स्वभाव आ गया, लेकिन ये नया स्वभाव और जो पुराना स्वभाव है अब इनमें आपस में संघर्ष चल रहा है। और हर विश्वासी, हर ईश्वर के बच्चे के मन में यह संघर्ष लगातार चलता रहता है। वो अपने नए स्वभाव के कारण अच्छे कार्य करना चाहता है, ऐसे कार्य करना चाहता है जो प्रभु को पसंद है, जो पवित्र है, जो उस व्यक्ति के लिए उचित है, जो उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन उसका पुराना नेचर, पुराना स्वभाव, पाप से भरा हुआ स्वभाव बार बार कहता है, अरे एक बार की तो बात है, जस्ट एक बार कोशिश तो करके देखो, अरे जरा उसका स्वाद तो देखो, उसका टेस्ट तो देखो। और कई बार क्या होता है कि टेस्ट देखने के बहाने हम उसमें पूरी तरह से फंस जाते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, चूहा। केरल में चूहेदान को जब लोग फिट करते हैं तो क्या करते हैं, नारियल का एक टुकड़ा लेते हैं, उसको आग पे भून लेते हैं। भूनने के बाद आदमी भी खा सकता है, ये बात मैं याद दिला दूं। यदि आपको लगे कि चूहे को क्या टेस्ट आता होगा तो आप भून कर देखते हैं, देख सकते हैं। नारियल के टुकड़े को प्रॉपरली आग पे भून दिया जाए तो उससे ऐसी सुगंध निकलती है कि आदमी मदहोश होने लगता है। तो फिर जानवर की बात तो कुछ और है। तो जब चूहा इधर उधर जाता है और ये जब ये स्मेल, जब ये सुगंध पाता है तो चूहा खींचा चला जाता है। उसको लगता है कि जाके मैं एक बार मुंह मार के उसमें से एक अच्छा सा टुकड़ा तोड़ के वापस चला जाऊंगा अपने बिल में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे 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 वो चूहेदान में उस नारियल के पीस के पास चलता जाता है, वैसे 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 उसकी आज़ादी खो जाती है। और एक बार वो चूहेदान में प्रवेश करता है तब खटाक से आवाज सुनाई देती है। क्या होता है, चूहादान बंद हो चुका होता है। अब चाहे वो खाए या ना खाए, बाहर नहीं जा सकता है। इसी तरह से एक विश्वासी
जब उसके जीवन में संघर्ष होता है कि मैं अपने नए स्वभाव के अनुसार कार्य करूं या पुराने स्वभाव का जो आकर्षण है, उसका जो खिंचाव है, वो मुझे जो लालच दे रहा है, वो मुझे जो लुभा रहा है, उस लुभाने वाले बात की तरफ जाऊं क्या? तो इस बात को ना भूलें कि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति आग से खेल नहीं सकता है, नहीं नहीं, आग से जो खेलेगा वो जल जाएगा। बिजली से आप नहीं खेल सकते, बिजली से जो खेलेगा वो बुरी तरह से जल जाएगा, इवन ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसे पाप के साथ खेलना नहीं चाहिए, पाप के साथ कोई व्यवहार रखना नहीं चाहिए। लेकिन यदि पाप के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है, तो उसके पहले ये समझना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है। और वो स्वभाव यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं जो करना नहीं चाहता वो करता हूँ, और जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। कारण क्या है? आगे अगले लगभग 10 पदों में इस बात का डिटेल दिया हुआ है कि मेरे अंदर जो पाप का स्वभाव बसा हुआ है वो बार बार मुझे वापस पाप की तरफ खींचता है। देखिए 20वें पद के आखिर में लिखा है, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। एक तरफ से मैं धार्मिकता के काम करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ पाप मुझे आकर्षित करता है, और फाइनली मैं जब मेरी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है तो पाप में फंस जाता हूँ। ये यहाँ जितने भाई लोग और जितनी बहनें बैठे हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उन सबको आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में लगातार इस तरह का संघर्ष चलता रहेगा। आप कहेंगे कि लगातार क्या कह रहे हैं, कब तक यह संघर्ष चलेगा? यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक आप इस नश्वर शरीर में हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई, मुझे लगा कि प्रभु यीशु पर विश्वास करके जब मैं आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ूंगा तो 2-4 साल में या 4-6-8 साल में मैं शायद इस तरह की अवस्था में पहुंच जाऊंगा जब मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो जाऊंगा, संत हो जाऊंगा, जिससे कि मेरे जीवन में किसी तरह का पाप ना हो। अच्छी बात है, इस तरह से इच्छा करना अच्छी बात है। जब आप साइकिल सीखते हैं तो ये इच्छा करना अच्छी बात है कि मैं कभी ना गिरूं, लेकिन इच्छा करने से थोड़ी बात होती है। सीखते में तो बहुत गिरते हैं, जो अच्छा एक्सपर्ट होता है वो भी गिरता है, कभी अनजाने गिर जाता है, कभी फिसल के गिरता है, और कभी जानबूझकर रिस्क लेते हैं तब गिरते हैं। तो यदि आपके मन में इच्छा है कि मैं ऐसा पवित्र जीवन बिताऊं कि मेरे जीवन में कभी कोई गलत बात ना हो, तो इच्छा करना अच्छी बात है। लेकिन हमको बहुत ही प्रैक्टिकल व्यावहारिक तरीके से बात को समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। हम थोड़ा सा व्यावहारिक तरीके से सोचें, इस बात को समझें कि जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं तब तक वो पाप स्वभाव हमारे अंदर है, और जब तक वो पाप स्वभाव हमारे अंदर है वो खिंचाव भी रहेगा, और जब तक खिंचाव रहेगा तब तक इस बात की संभावना है, इस बात का चांस है कि हम कभी कभी उस खिंचाव में पड़ जाएंगे और पाप में फंस जाएंगे। ये 7वां अध्याय हमको इस बात का याद दिलाता है। तो सवाल यह है कि प्रभु का वचन क्या हमसे कहना चाहता है? प्रभु का वचन ये याद दिलाना चाहता है कि प्रभु के बच्चे इस बात को समझें कि उनके अंदर दो प्रकार का स्वभाव है, एक नया स्वभाव और एक पुराना स्वभाव। प्रभु के बच्चे ये भी समझें कि वो पुराना स्वभाव लगातार उनको पाप की तरफ खींचता है। प्रभु के बच्चे ये भी समझें कि इस कारण जीवन भर उनको बैलेंस, संतुलन बनाए रखना है,
और बैलेंस बनाए रखना है तो उसका मतलब है कि आदमी को होश हवास में होना चाहिए। यदि आप साइकिल चलाते समय आपको नींद आ जाए या आप नशा करके चलाएं, कितनी देर आप गाड़ी चलाएंगे? जैसे ही नींद आपके ऊपर हावी हो जाती है आप गिर जाएंगे, जैसे ही नशा आपके ऊपर हावी हो जाता है आप गिर जाएंगे। जब होश खो देते हैं तो आप गिर जाते हैं। उसी तरह से प्रभु का बच्चा, एक मसीही, प्रभु का शिष्य, उसको अपने पूरे जीवन भर आत्मिक होशो हवास में रहना चाहिए। ऐसा कैसे रह सकता है? उसके लिए जरूरी है कि दिन रात वो प्रभु के वचन पर ध्यान करे। ये जरूरी है कि दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करे, मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के वचन पर ध्यान दे। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहे जो उसको खींच सकते हैं, ऐसी बातों से दूर रहे जो उसको खींच सकते हैं, जो उसको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक विशेष बात को याद रखे, आत्मिक जीवन के लिए वो मनुष्य पर ना निर्भर करे, ना तो मनुष्य पर, ना मनुष्य के मदद पर, ना मनुष्य की शिक्षा पर। आप कहेंगे, शास्त्री सर आप क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब यह है क्या कि हम आप जो कह रहे हैं उसको ना सुने? देखिए, यदि मैं जो कह रहा हूँ ये यदि मेरी शिक्षा हो तो इसको, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। कोई भी मनुष्य अपनी अच्छी से अच्छी बुद्धि से कुछ भी बताए वो सही नहीं हो सकता। मेरी बात पर तब तक ध्यान दें जब तक मैं प्रभु के वचन का सही सही व्याख्यान कर रहा हूँ। आप कहेंगे, ऐसा कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु के वचन का सही व्याख्यान कर रहे हैं? अरे, प्रभु का वचन आप सबके पास है, आपकी मातृभाषा में, उसको पढ़कर देखिए, उसको बार बार पढ़िए, देखिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो इस वचन के अनुसार है क्या। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रभु का बच्चा है, जो प्रभु की संतान है, यदि उसे अपना जीवन सही तरीके से बिताना है तो उसे प्रभु के वचन पर ध्यान देना होगा। प्रभु का वचन कोई सिखाता है तो उसे सुनना होगा और बार बार प्रभु के वचन को खोलकर उसको पढ़कर देखना होगा कि प्रभु के वचन को जो हमें सुनाया गया है वो सही रीति से सुनाया गया है क्या, उसकी व्याख्या सही रीति से हमारे सामने की गई है क्या। आपको ये भी सोचना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी संगति ऐसी हो हम जो हमको सही रास्ते पर ले जाए, ना कि गलत रास्तों पर। आज जितने भाई बहन आए हैं यहाँ, उन सब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस बात का यकीन है कि आपके जो दोस्त हैं, जिनसे रोज रोज आप बात करते हैं, जिनसे रोज आपकी संगति होती है, क्या ये ऐसे लोग हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित करते हैं, या ऐसे लोग हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन से खींचकर दूर ले जाते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ इसलिए इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों में से वे विद्यार्थी जो ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, जो उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो उनकी पढ़ाई बहुत सुधर जाती है। और यदि आपका उठना बैठना ऐसे विद्यार्थियों के साथ है जो ना तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरे को पढ़ने देते हैं, तो आपकी पढ़ाई तो बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने एक दोस्त को कभी नहीं भूल सकता, डॉक्टर हो गया, शहर का बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था। उसकी तो आदत थी कि वो डंडा लेके मेरे पीछे खड़ा रहता था। हमारे घर से थोड़ा दूर था, उसके छत से मेरी छत दिखाई देती थी, तो जब मैं खिड़की से देखता था तो वो छत से ही इशारा करना शुरू करता था, किताब उठाओ, छत पे जाओ और पढ़ना शुरू करो। और जब उसको लगता था कि मैं आज सुनने वाला नहीं हूँ तो वहाँ से दौड़ के घर आ जाता था कि क्यों बे, तू तड़क, तो हम दोनों में चल खूब जम के होती थी क्योंकि दोनों बराबर उम्र के थे। तुझे आज पढ़ने का इरादा नहीं है क्या, तू फेल हो जाएगा। उस समय तो बुरा लगता था, लेकिन आज मैं मुड़कर जब अपने
हिस्ट्री को देखता हूँ तब हमेशा उस दोस्त के प्रति मेरा मन आभार से भर जाता है। क्यों? अरे मुझसे जबरदस्ती पढ़वाने की उसकी कोई नहीं पड़ी थी, उसकी कोई अटकी नहीं थी, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि यदि यह व्यक्ति मेरा दोस्त है तो जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ उस तरह से इसको भी पढ़वा के ही रहूँगा। उसने मेरे जीवन में बहुत 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 एहसान किए हैं। मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब हायर सेकेंडरी में थे तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजी विरुद्ध अभियान चल रहा था, तो सरकार ने ये नियम बना दिया कि अंग्रेजी का पेपर देना है तो दो, ना देना है तो मत दो, वो तुम्हारे मार्क्स में जोड़ा नहीं जाएगा। बल्कि हमने जब हायर सेकेंडरी पास की तो अंग्रेजी के मार्क्स अलग से एक कॉलम में दिया जाता था, वो जोड़ा नहीं जाता था। तो मेरे जैसे व्यक्ति ने सोचा कि अरे जब जोड़ा ही नहीं जाता है तो अब काहे को मुसीबत लो, काहे को जाके एग्जाम दो। उसे मालूम था, उसे ये भी मालूम था कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है लेकिन मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। तो एग्जाम के दिन वो एग्जाम से दो घंटे पहले आके मेरे सर पे बैठ गया कि नहीं तुझे तो जाना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा, और मुझे पकड़ के जबरदस्ती ले जाके उसने एग्जाम दिलवाया। मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। आगे कई कोर्सेस में एडमिशन के लिए जब लोगों ने देखा, अच्छा 71 बैच के हो, 71 के बैच के हो और तुमने अंग्रेजी का एग्जाम दिया था और तुम्हारे इतने नंबर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुमको हम जरूर एडमिशन देंगे। देखिए एक ऐसा दोस्त जिसने जबरदस्ती मुझसे वो काम करवाया, उसने हमेशा 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 के लिए मेरे लिए एक भला काम किया। यदि आपके आत्मिक जीवन में आपने जो दोस्त अपने चारों तरफ बटोरे हैं वे इस तरह के हों जो आपको प्रोत्साहित करते हों तो आपका आत्मिक जीवन अच्छी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि दोस्त ऐसे हों जो आपको हमेशा आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित करने के बदले खींचते हैं तो आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध दो शक्तियाँ होगी, एक जो आपका दोस्त आपको खींच रहा है और एक आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है। इसलिए जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसको, उससे मेरा अनुरोध है आज जरा दो क्षण के लिए अपने जीवन को मुड़कर देख लीजिए। मैं फलाना जो काम करता हूँ वो मेरे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है? मेरा फलाना दोस्त जो सुबह से शाम तक मेरे साथ रहता है, मुझसे बात करता है, वो मुझे आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है या मेरे जीवन को बर्बाद करता है? यदि वो आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस दोस्त को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। भाई यदि आपको जो खाना परोस रहा है वो खाने में चार सब्जी परोस रहा है और उसमें एक सब्जी यदि बहुत कड़वी हो जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि वो तीन सब्जी जो मुझे पसंद है वो परोसो, चौथी सब्जी मुझे नहीं चाहिए, वो तुम रखो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलता हूं। क्यों? इसलिए कि वो सब्जी और पड़ जाए तो मेरा खाना खत्म, मैं खा नहीं पाऊंगा। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में जो चीज हमको आत्मिक रूप से बर्बाद कर सकता है, कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी दोस्त क्यों ना हो, कोई भी पुस्तक क्यों ना हो, कोई भी वार्तालाप क्यों ना हो, कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम क्यों ना हो, किसी भी तरह की चीज जो हमको हमारे आत्मिक जीवन से दूर ले जाती है, उस चीज को पूरी तरह से अपने से दूर करना मेरे और आपके लिए जरूरी है। आज सातवें अध्याय से हमने जो बातें पढ़ी उसका सारांश मैं फिर से आपको बताऊं। जिसने भी प्रभु को ग्रहण किया है वो एक संघर्षमय जीवन बिताता है। उसके अंदर जो नया स्वभाव है और उसके अंदर जो पुराना पाप का स्वभाव है, इनमें आपस में संघर्ष चलता है। यदि हम इस तरह का माहौल, इस तरह के दोस्त अपने चारों तरफ इकट्ठा करते हैं जो हमको पाप की तरफ खींचते हैं तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि एक हमारा पाप हमको खींच रहा है, दूसरा वो दोस्त हमको खींच रहे हैं। प्रभु की हर संतान की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे दोस्त, ऐसे माहौल को अपने चारों तरफ इकट्ठा करे जो उसको आत्मिक रूप से प्रोत्साहित करे। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ।
मैंने आज नए जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बोली। शायद इस सभा में ऐसे कुछ भाई या बहन हैं जिन्होंने इस नए जीवन के बारे में पहली बार सुना है, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए 5 मिनट में मैं ये विषय समझाना चाहता हूँ। वो ये है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो पापी है। इसीलिए तो बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ता, चोरी करना नहीं सिखाना पड़ता, मारपीट नहीं सिखाना पड़ता, वो अपने आप ये सब कुछ करता है, क्योंकि वो पाप स्वभाव के साथ जन्मा है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि इस संसार में सब ने पाप किया है और इस कारण सब ईश्वर से दूर हैं। प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि पाप की सजा है मृत्यु, मतलब हमेशा 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 के लिए हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु ने स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आकर मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों की सजा के रूप में सूली पर अपना जीवन अर्पित किया। अर्पित करने के 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित हो गए और प्रभु ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ, तुमको जीवन देने के लिए मैंने अपने जीवन दान दिया, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुमको एक नया जीवन दूंगा। जो भी व्यक्ति प्रभु की इस वाणी को सुनकर प्रभु के पास जाकर प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मैं इस बात को आपके वचन के द्वारा अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं पापी हूँ और मैं ये भी समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आज मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। जो भी इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको एक नया जीवन देते हैं। तो मैं बार बार जिस नव जीवन या नए जीवन की बात कर रहा हूँ, जिस उद्धार की बात कर रहा हूँ, वो ये विषय है। मैं जब 5 साल का था तब मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आज भी मेरे जीवन में वो खुशी और वो कॉन्फिडेंस है। इस सभा में ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उनके जीवन में वो निश्चय है कि हाँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मुझे नया जीवन मिला है। पहली बार जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, वे लोग इस बात को समझ लें कि यह नया जीवन आपको प्रभु एक उपहार के रूप में देना चाहते हैं और इस कारण इस नए जीवन को पाने के बाद ही यहाँ से जाएं। आप कहेंगे, शास्त्री सर, मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ या एक दो बार सुन लिया, बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं है, आपको ये बात विस्तार से समझने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ भाई जेफरी आए हैं और कई भाई बहन लोग इसीलिए आए हैं। हमारे पास आइए, हमसे बोलिए कि आप समझना चाहते हैं, हम समय लेकर डिटेल में आपको समझाएंगे, जिससे कि इन बातों को समझकर आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके इस नए जीवन को पा सकें। आज प्रभु ने ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आज जो लोग पहली बार आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, आते रहिए। आत्मिक जीवन में इस तरह से सत्संग हम सबको बहुत अधिक अनुग्रह देता है, खासकर जब अपने घर बार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर नौकरी करते हैं, तब एक अच्छा सा सत्संग जिसमें आप नियमित रूप से जाते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन को बहुत अधिक अनुग्रह दे सकता है। आज इन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि ध्यान से मेरी बात आपने सुनी। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह।